अच्छा अब बात सुनिए, ये जो एक सरप्राइज था जो हम लोगों को मिला माशाल्लाह से अहमद और निहल की शादी का, मुझे ऐसा लगा कोई ड्रामे की शूट है या कुछ ऐसा, आप दोनों एक साथ एक्ट कर रहे हैं। जब ये तस्वीरें हल्की फुल्की वायरल हुई थी ज्यादा शुरू शुरू में आपने अपने पेज पे लगाई थी, मैंने थोड़ी सी पे लगाई थी। हाँ हाँ, तो हमें लगा कि कोई ड्रामे की शूट है और अहमद भी ड्रामे में एक्टिंग कर रहा है और मियां बीवी दोनों ड्रामे में हैं। हाँ, हमें नहीं पता था इतनी जल्दी ये सब कुछ, क्योंकि एक्चुअली इसको करना हमको बड़े पैमाने पे शायद था। हाँ, लेकिन मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था उन दिनों। अच्छा, और हमारी सडनली आंटी की डेथ हो गई, हमारी पहले डेट वेट फिक्स हुई भी थी। हाँ, तो एक तो ये कि वो भी करना था और दूसरी बात ये कि मैं हमेशा जो बात करती हूँ अगर तब भी करते तो उस तरह नहीं करते जिस तरह लोग करते हैं शादियाँ। हाँ, क्योंकि हाँ, मेरा ये प्लान था हमेशा से कि आप खुद रोल मॉडल बन के लोगों को बताएं जो आप खुद सही समझते हैं वो करके भी दिखाएं। तो बल्कि आप निहल से पूछ सकते हैं, मैंने निहल से यही कहा, मैंने कहा देखो आपको अपने दोनों बच्चों को मैंने कहा जो भी आप लोगों को चाहिए वो हम आपको वैसे देंगे, उसे आप अपने लिए यूज़ करें। हाँ, लेकिन मुझे ना बिल्कुल कोई दिखावा नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। तो हमने बिल्कुल फैमिली के साथ और बाहर वालों को, बाहर से मतलब कि हमने अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ 10 बजे के बाद सब फारिग होते हैं काम से। Exactly. तो वो मैंने कहा एक ग्रैंड वलीमा करेंगे जिसमें सिर्फ हमारे टीवी के या मीडिया के लोग आएंगे। हाँ, वो हमने कहा हम करेंगे कभी, लेकिन फिर वो सारी इतनी सब चीज़ें सबकी हाँ, चलती रहती हैं। लेकिन मैं सादगी से करना चाहती थी और मैं यही लोगों को भी मैसेज देना चाहती थी भी और अभी भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की या दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सब फजूल चीज़ें हैं। लड़कियां अपने पेरेंट्स के एक्स्ट्रा पैसे खर्च करवाती हैं मतलब मेकअप पे, इस पे उस पे ज़रूरत नहीं है। नहीं, वही पैसा बचाएं उसे अपने घर के लिए, अपने आप के लिए इस्तेमाल करें।